नाम करो। अस्सलामुअलैकुम। भाई 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 बहन कैसे हैं आप सब? भाई आप कैसे हैं? जुम्मे है आज, आपने नाना नहीं है? नाना नहीं है आज, जुम्मे यार नहाओगे? अभी जुम्मा पढ़ने जाओगे? इधर इधर नहीं नहीं कर रही हो आप? गर्म पानी से नहाती हो? अच्छा ना कर आप क्या कर, नमाज पढ़ोगी? नमाज पढ़ोगी, अल्लाह करोगी? अच्छा क्या बात है भाई आपकी, आप तो अच्छी बच्ची हो। गर्म पानी है। खीरा खा रही है? हाँ। अच्छा और ये अनाया क्या कर रही है? खीरा खा रही है। ये भी खीरा खा रही है। और मिशी सो गई? ये तो सोई हुई है। हाँ। आप ना के आए थे? हाँ जी। अच्छा देखो, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो हमने टमाटर और जो हरी मिर्च है वो काट के रख ली है, प्याज और तमाम मसाले जात जो थे हमने अपने पास काट के रख लिए हैं। तो ये देखिए, ये पुदीना है और लहसुन अदरक है ये, और हमने इमली भी भिगो के रख दी है ताकि हम टाइम पे इसको यूज़ कर सकें। और ये है जी जायफल और जावित्री। अब हमने प्याज ब्राउन कर ली है, प्याज ब्राउन करके हम इसमें गोश्त डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छी तरह से इसको जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने 2 पैकेट बिरयानी मसाले के इसमें डाल देने हैं, प्याज के ब्राउन होने के और गोश्त के ब्राउन होने के बाद हम ये 2 पैकेट जो हैं वो बिरयानी मसाले के इसमें डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। और जो दीवारों पे लग जाता है इसको प्याज वगैरह का मसाला, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से उतार लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो भाई, सीधे हो कि ये क्या कर रहे हो आप? कपड़े दिखाओ ऐसे। वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छे लग रहे हो आप तो भाई। थैंक यू। शाबाश। प्यारे बहन भाइयों, हमने इसमें 1 पाव दही डाल दी है मसाला बनाने के डालने के बाद। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 पैकेट बिरयानी मसाला और 1 पाव दही हमने जो इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से चलाते जाएंगे और ये नमक जो है हम इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे, और सादा नमक भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है हमारे पास वो हम ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चम्मच से चलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें टमाटर हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी वो हम इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और जब ये गल जाएंगे तो फिर इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, मसाला बन जाएगा, तो वो बिरयानी में बहुत ज़रूरी होता है।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम चेक करते हैं। भैया को खिला रही हो? छोना छोना बेटा है। छोना छोना बेटा नहीं है, छोना छोना भैया है आपका ये। अब नानू घर जाओगे आप? हाँ। कब जाओगे? चावल खा के जाएंगे। चावल खा के जाओगे? हाँ। अच्छा स्पिनर चलाया हुआ ही मैंने, और इसमें से मैं कपड़े निकालूंगी अभी। ये जो है इसको ज़रूर लगाया करें अगर आप स्पिनर में कपड़े सुखाते हैं तो, क्योंकि इसकी वजह से जो है बैलेंस आउट नहीं होता है। जब स्पिनर का बैलेंस आउट होता है तो फिर वो साइडों में लगता है, टोकरी जो है वो अनबैलेंस हो जाती है, साइडों में लगती है, तो उसकी वजह से मशीन जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। इसमें मैं थोड़ा, मैंने जो है मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धूप थी, मौसम जो है काफ़ी चेंज हो गया है, और इस वजह से फिर मैंने ये पर्दा जो है वो इधर लटका दिया है ताकि धूप से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। चलो अब जो है मैं कपड़े सुखा रही हूँ। धूप जो है वो काफी तेज है, तो कपड़े जो हैं स्पिनर से निकाल के डाले हैं मैंने, तो जल्दी से सूख गए हैं सारे के सारे। कपड़े जो हैं मैंने स्पिनर से इसीलिए निकाल के डाले हैं ताकि जल्दी सूख जाएं, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि किसी भी टाइम जो है घटा हो जाती है, बारिश आ जाए, कोई पता नहीं है। हमारा जो इलाका है ये पंजाब साइड पे, इधर जो है वो पहले और दूसरे माह में जो है धुंध वाला मौसम होता है, कभी बारिश हो जाती है कभी धुंध हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैंने स्पिनर से कपड़े निकाले हैं ताकि जल्दी सूख जाएं, तो मौसम का तो कोई पता नहीं होता है। क्यों रो रही हो बेटा? मेरी जान क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ है? अच्छा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, गाबा नहीं गुस्सा कर दिया था। सारे मसाले जो हैं वो मैंने एक एक करके इसमें डाल दिए हैं। लहसुन अदरक का जो पेस्ट था उसी में हमने जायफल और जावित्री भी पीस रखी थी, और इमली का जो अर्क था वो भी हमने उसी में शामिल किया हुआ था। सारे मसाले वगैरह जो थे सारे डाल के उसको दम पे लगा दिया था। अब बिल्कुल रेडी है भाइयों। अब जो है हम चावल उबाल लेंगे। अब चावल उबालने के लिए हमने ये तरीका अपनाना है कि हमने आधे चावल जो हैं वो वाइट कलर के रखने हैं और आधे जो हैं वो जर्दे का कलर डाल के उनको अलग से बॉयल करना है। तो जैसे हमने अलग से बॉयल चावलों को कर लिया है, ये देखिए जर्दे के चावल जर्दे का कलर आ गया है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं ये चावल। आधे जो हैं हमने वो जर्दे के कलर के उबाल लिए हैं और आधे जो हैं हमने वो वाइट रख लिए हैं।
क्योंकि जो वाइट और ये इसका जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी में। तो ये देखिए हमने ये वाइट वाले चावल भी अलग से उबाल लिए हैं। अब हम इन दोनों चावलों को जो है आपस में मिक्स कर देंगे जब हम बिरयानी की तह लगाएंगे। जो कोरमा हमने तैयार किया है उसका थोड़ा सा ऑयल जो है हम पतीले में लगा लेंगे ताकि चावल जो हैं वो दम पे रखने के बाद नीचे न लगें, और इस तरह से हम उसको तह लगा देंगे जैसे हमने वाइट चावल की तह लगाई है हल्की हल्की सी। इसके बाद हम उसको येलो कलर के चावल जो हैं हमारे पास जर्दे वाले वो भी हम डालेंगे, और उससे पहले हम इसमें सालन की एक तह लगा देंगे जो कि हमने अभी तैयार किया है। इस तरीके से थोड़े से वाइट चावल हमने नीचे बिछा दिए हैं और उसके ऊपर हमने सालन डाल दिया है। अब हम दोबारा से थोड़े से चावल डाल देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। आपने पतीली को घुमाते रहना है और प्लेट से आपने इसी तरीके से चावल डाल लेनी है ताकि चावल जो है वो बराबर फैलते जाएं। और अब देखिए जैसे हमने दो चम्मच हमने चीनी ले ली है वो हम इसके ऊपर हल्की हल्की सी ऐसे फैला देंगे ताकि चावल जो हैं वो आपस में चिपके ना और अच्छे से और खिले खिले चावल रहें। तो अब हम दोबारा से सालन डाल देते हैं इसके ऊपर कोरमे वाला। बाकी का जो तमाम सालन है वो हम इस पे डाल रहे हैं। अच्छे तरीके से आप पतीले को साफ करके ताकि सारा मसाला जो है इसमें चावलों के लिए अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमने अच्छी तरह से पतीली को साफ़ कर लेना है और बाकी के जो चावल हैं वो इसके ऊपर अब हम तह लगा देंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो मेरे चैनल पे न्यू है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने, और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने इस तरह की बिरयानी जो है वो पहले तैयार की है। क्या चला रहे हो ये? गन। गन चला रहे हो? चलो रात हो गई अब आपको तो सर्दी लगेगी। ऐसे चलती है गन। हाथ दिखाओ। चलो जाओ। बस बेटा अंदर चले जाओ सर्दी हो रही है अब। चलो अंदर जाओ अंदर। चलो शाबाश जाओ जल्दी जल्दी जाओ। कपड़े जो हैं वो सारे धुल चुके हैं और मैंने मशीन भी धो दी है, और जो ये जगह जो है कमरे के साथ वाली ये सारी मैंने धो दी है, और जो बेडशीट है मैं आपको भी दिखा देती हूँ मैंने अभी अभी धो के और दीवार पे डाल दी है ताकि वो सूख जाए। इसको मैंने ड्राई नहीं किया है स्पिनर में क्योंकि पूरी रात है तो ये सूख ही जाएगी सुबह तक। तो व्यूअर्स इसके साथ ही करते हैं वीडियो का एंड, और अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ अब हम वीडियो व्लॉग को एंड करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है तो प्यारे बहन भाइयों अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।